So in today's video, let me help you estimate the amount that your child will require for a graduation as well as post-graduation. Hello and welcome to One More School of Thought. This is Shalini Gera, Senior Partner at Ingenitus and a Certified Financial Planner. हमारे families में जब भी एक new child का arrival होता है, we tend to have a lot of expectations from that child कि बड़ा होके हमारा child शायद ये बनेगा या वो बनेगा. Having a young child myself, I am not sure of the profession that my child will decide to take. But one thing I'm very, very confident about is that मैं अपने child को एक अच्छी education provide करूँगी. I'm sure आप सब लोगों के भी ऐसे similar thoughts होंगे. But क्या आपने इससे एक step आगे पहुँच कर देखा है कि what exactly is the amount that your child is going to need for a good education? So in today's video, let me help you estimate the amount that your child will require for a graduation as well as post-graduation. And let me also help you as to how to reach that goal. So, यहाँ हमने प्लानर को खोल लिया है और मान के चलते हैं चाइल्ड आपका अभी अभी बॉर्न हुआ है और उसकी एजुकेशन के प्लान करने के लिए हमारे पास 18 साल है. सो ये बिटवीन 1 एंड 19, 18 ईयर्स का गैप हो गया. करंट एजुकेशन कॉस्ट जो एक अच्छी ग्रेजुएशन के लिए रिक्वायर्ड है वो कम से कम 10 लाख रुपीज़ की है इंडिया में. एंड प्लीज़ नोट दैट द एजुकेशन कॉस्ट ऑफ इन्फ्लेशन इन इंडिया इज़ एट 11%. बिकॉज हमारे पास एक लॉन्ग टर्म का टेन्योर है तो हम उसे एक हाई रिटर्न जनरेटेड एसेट क्लास के अंदर डाल सकते हैं जहाँ पर हमें कम से कम 12% के रिटर्न्स मिल जाएंगे और अज्यूम करके चले हैं कि यहाँ पर हम इक्विटी में इन्वेस्ट कर रहे हैं. हिट करते हैं कैलकुलेट. तो ये देखिए उस टाइम पर हमें ग्रेजुएशन के लिए रिक्वायर्ड होगा 70.5 लाख रुपीज़. एंड दिस इज़ नॉट टू डिफिकल्ट टू एक्यूमुलेट. अगर आप अभी से स्टार्ट करते हैं तो आप स्टार्ट कर सकते हैं 9,343 के मंथली इन्वेस्टमेंट अमाउंट से. ये तो हुई बात ग्रेजुएशन की. आगे पोस्ट ग्रेजुएशन भी है. पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए हमारे पास 3 साल का एडिशनल टाइम फ्रेम है और पोस्ट ग्रेजुएशन हम मान के चलते हैं जिसकी कॉस्ट इंडिया में है 20 लाख रुपीज़. कीपिंग ऑल अदर पैरामीटर्स सेम, लेट्स हिट कैलकुलेट. एंड ये देखिए पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए आपको रिक्वायरमेंट होगी 1.95 CR की और इसके लिए अगर आपको प्लान करके चलना है तो इसके लिए आपको 17,000 रुपीज़ की मंथली SIP करनी पड़ेगी. यानी कि टोटल आपका इन्वेस्टमेंट कॉर्पस बन जाता है 2.65 करोड़ रुपीज़ और इसे एक्यूमुलेट करने के लिए हमारे जो SIP रिक्वायरमेंट है वो है 26,000 रुपीज़. ये तो हुई बात अमाउंट एस्टिमेशन की. नाउ देर आर फ्यू अदर इंपॉर्टेंट फैक्ट्स दैट यू शुड नो. Point number 2 to note is that you need to start investing this amount as early as possible because jitna aapke paas lamba time frame available hoga utni aapki compounding badhegi. Agar aap aaj se nahi shuru karke der karenge investments mein to ye amount shayad aapka accumulate nahi ho payega. Next important thing to note is ki because aapke paas yahan par long time frame available hai, if you have more than 5 years available to you for planning for your child's education, aap ise equity mein invest kar sakte hain because equity over a long time is known to reduce the amount of volatility investments and also is known to give you the highest returns possible. The final thing to note is ki इसके लिए आप अपने चाइल्ड के नेम पर एक सेपरेट बैंक अकाउंट और एक सेपरेट इन्वेस्टमेंट अकाउंट खोल दीजिए और वहीं से इन्वेस्टमेंट्स करिए. इससे ये फ़ायदा होगा कि अब आपकी इन्वेस्टमेंट्स के साथ साथ इमोशंस जुड़ जाएगी एंड आप उस अमाउंट को किसी और गोल के लिए यूटिलाइज नहीं करेंगे और अपनी चाइल्ड की एजुकेशन के लिए ही करेंगे. So this was today's school of thought. I hope you liked it. Please do subscribe to our channel. This helps us a lot. Do let us know in the comment section as to what all financial content would you want us to talk about. Signing off, this is Shalini Gera.